हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग लैब। आज हम लज़ानिया बनाने वाले हैं, बट ये लज़ानिया मैक्सिकन यानी कि जो पिज़्ज़ा फ्लेवर का होता है वो नहीं है। आज हम डेजर्ट के लिए चॉकलेट लज़ानिया बनाएंगे, वो भी बेक किए बिना। तो चलिए चॉकलेट लज़ानिया बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट लज़ानिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओरियो के 14 बिस्किट लिए हैं। इसको इस तरह से हाथ से क्रम्बल कर देंगे और फिर इसे मिक्सी में चंग कर लेंगे। आप इसकी जगह पे कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं, पर हो सके तो क्रीम वाले लीजिए, जिससे इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून जितना मेल्टेड बटर डालेंगे। बटर की जगह पे आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, पर वो ऑयल में कोई भी तरह की फ्लेवर नहीं होनी चाहिए। अब चम्मच की मदद से इस तरह से इसे दबाते हुए सेट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब हम लज़ानिया बनाने के लिए दूसरा लेयर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम वाइट चॉकलेट ली है, मिल्क चॉकलेट है ये। अब इसे हम मेल्ट करेंगे स्लो फ्लेम पे। अब हम इसमें 150 ml जितना अमूल का फ्रेश क्रीम डालेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, पर कॉर्नफ्लोर के साथ आपको थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डालना है इसमें। अब स्लो फ्लेम पे इसे इस तरह से हिलाते हुए जब तक गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक पकाएंगे। देखिए इतना गाढ़ा हो जाए, फिर हम इसे फ्लेम को बंद करके स्ट्रेनर से छान लेंगे। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1-1 टेबलस्पून करके 2 बार मिल्क डाल रही हूँ। देखिए स्ट्रेनर से छानने के बाद इसे इस तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो वीडियो में दिखाई है वैसी रखना है। इसके लिए अगर आपको मिक्स करना पड़े तो 2-3 टेबलस्पून आप मिल्क डाल सकते हैं इसमें। बिस्किट का लेयर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके ऊपर हमने जो चॉकलेट का कस्टर्ड बनाया है इसे सेट करेंगे। अब इसके ऊपर रोस्टेड चॉप किए हुए आलमंड डालेंगे थोड़े से। आप चाहे तो इसकी जगह पे काजू या तो फिर पिस्ता का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब एक बर्तन में 1 कप दूध लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, 1/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसे इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए पकाना है, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, वरना आपका जो ये बैटर है वो नीचे से जल जाएगा। देखिए मुझे इसे पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। इस कंसिस्टेंसी में आए फिर हमें फ्लेम को बंद कर देना है। अब जो वाइट चॉकलेट और कस्टर्ड का हमने लेयर बनाया था उसके ऊपर इसे सेट करेंगे। इसे गरम गरम में ही इसके ऊपर सेट करना है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ला के कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीज़ क्रीम लिया है। चीज़ क्रीम मैंने घर पे बनाया हुआ लिया है, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। उसकी वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें 1/4 कप शुगर मिक्स करेंगे, पाउडर शुगर। 1/4 टीस्पून इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। अब इलेक्ट्रिक पीटर से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इलेक्ट्रिक पीटर से फेंटते हुए मुझे इसे 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम व्हिप क्रीम मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कप व्हिप क्रीम को व्हिप करके लिया हुआ है। व्हिप क्रीम आपको कौन सी कंपनी का लेना है, इसे बीट किस तरह से करना है, इसे स्टोर किस तरह से करना है, ये पूरी डिटेल वाली वीडियो मैंने मेरी चैनल पे अपलोड की हुई है। उसकी वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। अब इसे 1-2 मिनट के लिए ही सिर्फ व्हिप करेंगे, ताकि ये दोनों क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे व्हिप करते हुए 2 मिनट हो गई है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अब जो हमारा चॉकलेट लज़ानिया हमने फ्रीज में सेट किया था, इसके ऊपर इसका फ्रॉस्टिंग करेंगे इस तरह से।
अब इसे एक बटर नाइफ की मदद से इस तरह से एक जैसा लेवल कर लेंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ा चोको चिप्स से गार्निशिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट को किस के भी इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं। इस तरह से चोको चिप्स से गार्निशिंग करके इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे। देखिए 5 घंटे हो गए हैं फ्रिज में सेट किए हुए और हमारा चॉकलेट लज़ानिया खाने के लिए तैयार है। अब इसके मनचाहे पीस करके आप सर्व कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, कितना डिलीशियस। जितना ये लुक वाइज अच्छा लग रहा है, केक को भी ये पीछे छोड़ देगा, इतना टेस्टी बनता है ये। और अगर आप चाहे तो इसमें कोई भी एक लेयर चॉकलेट का स्किप करके भी बना सकते हैं, तो भी ये इतना ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए।